मैंने अभी एपिसोड नंबर 12 में ये बताया था कि आप लोग अपना चैनल स्टार्ट करने से पहले ही कुछ वीडियोज के स्टॉक कर लो, या फिर आपका कोई पुराना चैनल भी है अगर उस पर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हो, यानी कि रेगुलर बेसिस पे काम करना चाहते हो, थोड़ी सी वीडियोज एक्स्ट्रा बना करके आप रख लो। तो उस वीडियोज में कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि उन्होंने बोला कि हमारी स्टोरेज फुल हो जाती है, मतलब हम अगर 15-20 वीडियोज कंप्लीट कर लेते तो स्टोरेज ही फुल हो जाएगी, फिर उसके बाद हम काम कैसे करेंगे। इसका क्या सॉल्यूशन है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे फ़ोन्स हैं जिनमें स्टोरेज कम है, और वो 2-4 वीडियोस बनाते हैं तो उनकी स्टोरेज फुल हो जाती है, फिर उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं है एक वीडियो बनाने के लिए उसमें अलग अलग टाइप्स की पिक्चर्स वगैरह भी डाउनलोड करके उसमें इंक्लूड करना होता है, मोबाइल के एप्लीकेशंस होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थंबनेल्स भी जो हम बनाते हैं वो भी उसी फ़ोन में स्टोर होता है, तो इसकी वजह से वो स्पेस धीरे धीरे भरते जाता है, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप जो भी वीडियो बना रहे हो, मतलब कि अगर पॉसिबल हो पा रहा है, ज़्यादा स्टोरेज की इशू हो रही है, तो आप एक बार में 2 या 3 वीडियोज ही बनाओ। ठीक है, जैसे 2 या 3 वीडियो आपने बना लिए, अब 3 वीडियोज अगर बन गई, जब फिर 2 ही बनाई या फिर 1 ही बनाई, जैसा पॉसिबल हो सकता है वैसा करो, आप उस वीडियो को एडिट वगैरह करके कंप्लीट करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दो, और जब चैनल पे आप अपलोड कर दोगे तो वहाँ पे ऑप्शन होता ही है वीडियो को शेड्यूल करने का, तो अपलोड वगैरह करके शेड्यूल वगैरह कर दो, शेड्यूल करने के बाद उसके थंबनेल्स वगैरह भी बना करके थंबनेल्स भी लगा दो। ये सब कुछ जब कंप्लीट कर लोगे तो जो भी वो वीडियोज थी जिनको आपने रिकॉर्ड किया था, एडिट वगैरह सब कुछ किया था, उनको आप अगर आपके पास घर में कंप्यूटर लैपटॉप पुराना भी पड़ा हुआ है उसमें उस वीडियो को डाल दो, मतलब फ़ोन से हटा दो, या फिर कोई पेन ड्राइव कोई मेमोरी कार्ड है तो उसमें उस वीडियो को ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, और जो आपका फ़ोन का स्टोरेज है वही है, और एक्स्ट्रा कोई भी इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं है जहाँ पर वो वीडियो आप स्टोर कर सकते हो, तो इसके लिए एक और तरीका है, आप डायरेक्ट अपने गूगल ड्राइव पर उस वीडियो को रख सकते हो, क्योंकि गूगल ड्राइव पे भी 15 GB तक का स्टोरेज हमें मिलता है, वहाँ पे भी ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, और अगर वहाँ पे भी नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक और सॉल्यूशन यही है कि आप उस वीडियो को अपने फ़ोन से पूरी तरीके से डिलीट कर दो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि हमने अगर कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी, और अपलोड करने के बाद अगर उसको अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया तो वो वीडियो यूट्यूब से भी डिलीट हो जाएगी। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने कोई भी अपनी वीडियो YouTube पे अपलोड कर दी, उसके बाद आप अपने फ़ोन से डिलीट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो YouTube पे रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गई बात? तो आपके लिए सीधा सीधा एक ही उपाय है, जो भी वीडियो आपने बनाई, एडिट वगैरह कंप्लीट कर ली, अपने चैनल पे अपलोड किया, अपलोड करने के बाद उसको अपने फ़ोन से डिलीट कर दो पूरी तरीके से। पूरी तरीके से डिलीट करने का मतलब ये है कि जब आप अपने वीडियोस को अपने फ़ोन की गैलरी में से डिलीट करते हो, डिलीट करने के बाद वो उसी फ़ोन के रिसाइकल बिन में जा कर के स्टोर हो जाता है, तो फिर आपको वहाँ से जा कर के भी उन वीडियोस को डिलीट करना होगा ताकि पूरा पूरा स्पेस आपके फ़ोन में फिर से आपको मिल सके। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसे हम अपनी वीडियोज़ को बनाते हैं तो जब वीडियोज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका रिजोल्यूशन हम 720 में भी रखते हैं, 1080 में भी रखते हैं, और अगर आपके फ़ोन का कैमरा हाई रिजोल्यूशन वाला है तो आप 4K तक भी एक्सपोर्ट करते हो वीडियोज़ को, तो जितनी हाई क्वालिटी की वीडियोज़ होगी उतनी ही स्पेस आपके फ़ोन में भरेगी। लेकिन अगर हम हाई क्वालिटी में वीडियोज नहीं बनाते हैं, मतलब हमारे फ़ोन की जितनी क्षमता है अगर वो फ़ोन 1080 रिजोल्यूशन में वीडियोज़ को कन्वर्ट कर सकता है तो एटलीस्ट उतना तो हम करेंगे ही ताकि वीडियोज़ की क्वालिटी बेहतर से बेहतर आ सके। लेकिन जब ये चीज़ें हम करते हैं तो इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ये कि हमारे फ़ोन में तेज़ी से स्टोरेज फुल होने लगती है, क्योंकि रिजोल्यूशन ज़्यादा रखेंगे तो वीडियोज़ की साइज भी ज़्यादा होगी तो स्पेस भी ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से भी स्टोरेज की इशूज होती हैं। तो आपके लिए यही सॉल्यूशन जो मैंने बताया कि यूट्यूब पे अपलोड करो, अपलोड जैसे ही हो जाती है उसके बाद अपने फ़ोन से वीडियोस को डिलीट कर दो, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दो ताकि आपको फिर से स्पेस मिल सके। इसके अलावा फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशंस आपके हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गूगल फोटोज़ हो गया, और भी मल्टीपल टाइप्स के आप फ़ोन में एप्लीकेशंस रखते हो, तो जो ऐसे फ़ोन में एप्लीकेशंस आपके हैं जो आपके काम के लायक ही नहीं है, आपके फ़ोन में बिना मतलब का बेवजह ही पड़ा हुआ है, उसको तो अनइंस्टॉल करके पूरी तरीके से फ़ोन से हटा दो। ठीक है, इसके अलावा जो भी फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं उनका कैसे डेटा हमेशा ही क्लियर करते रहो, फ़ोन को मतलब क्लीन करते रहो,
फ़ोन में बिना मतलब के फ़ोटोज़ वगैरह भी स्टोर हो जाते हैं, वीडियो फुटेज भी स्टोर हो जाते हैं फालतू के, तो इन सबको समय समय पर डिलीट करते रहो। फ़ोन के कैसे डेटा को कैसे क्लियर किया जाता है उसके ऊपर वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उनको देख लो और उनके कैसे डेटा को भी क्लियर करते रहो, ताकि आपको अपने फ़ोन में स्पेस हमेशा ही पूरी तरीके से मिल सके और आप अपने फ़ोन में सही तरीके से वर्क कर सको। इसके अलावा एक और चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड लग सकता है तो एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड आप रख लें, वो जितना जीबी तक वो सपोर्ट कर सकता है, 16 GB, 32 GB या फिर 64 GB अगर पॉसिबल है तो एक मेमोरी कार्ड भी रखें, ताकि उसमें भी आप थोड़े बहुत वीडियो फुटेज को स्टोर कर पाओ, ताकि आपका काम थोड़ा सा और आसानी से हो सके। ये कुछ एक सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप स्टोरेज वाली प्रॉब्लम से बच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हो, जिस भी तरीके से पॉसिबल है, आप उनको ट्राई करो, एक्स्ट्रा वीडियोज बनाओ। अगर रेगुलर बेसिस पे वर्क करना है, रेगुलर रहना है अपने चैनल पे, तो एक्स्ट्रा वीडियोज बनानी ही होंगी, ठीक है। तो स्टोरेज की बात आप क्लियर तरीके से समझ लो कि अपने फ़ोन में आप किसी भी वीडियो को बनाते हो, उसको जब YouTube पे अपलोड कर देते हो, वो कोई भी वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो हो या फिर शॉर्ट्स वीडियो हो, उनको जब अपने चैनल पे आप पोस्ट कर देते हो तो उसके बाद अपने फ़ोन से डिलीट कर दो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो अभी तक मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, इससे रिलेटेड फिर भी कोई भी क्वेश्चंस रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।